हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिसाइड एंड अंडरस्टैंड अ पोम ऑफ क्लास एट फ्रॉम रत्न सागर नेम्ड द क्वांगल वांगल्स हेड रिटन बाई एडवर्ड लियर एडवर्ड लियर एक ब्रिटिश इलेस्ट्रेटर लैंडस्केप पेंटर और एक पोइट थे जो अपनी नॉनसेंस वर्ड्स लिमरिक्स और इन्वेंटिव वर्ड पे यानी आविष्कारशील शब्द नाटक के लिए जाने जाते थे लिमरिक के अलावा लियोर ने द डक एंड द कंगारू और द आउल एंड द पुसी कैट जैसी लंबी बकवास कविताएं भी लिखी उनकी नॉनसेंस पोम्स बेतुके जीवों और स्थितियों की दुनिया को दर्शाती हैं जो देखने या पढ़ने में तो हास्यप्रद होते हैं लेकिन अक्सर दुख की गहराई के भाव को छुपाते हैं उनके इस पोम द क्वानगल वांगल्स हैट में एक इमेजिनरी क्रिएचर एक लोनली लाइफ को लीड कर रहा है जिसके पास बहुत ही अजीब जानवर रहने आते हैं उसके बहुत ही विशाल हैट या टोपी टौप, के नीचे रहने सो लेट्स रिसाइट एंड अंडरस्टैंड द पोम द क्वेंगल वांगल्स हैट ऑन द टॉप ऑफ द क्रमटी ट्री द क्वेंगल वांगल सेट बट हिज फेस यू कुड नॉट सी ऑन अकाउंट ऑफ हिज बीवर हैट फॉर हिज हैट वॉज अ हंड्रेड एंड टू फीट वाइड विद रिबन्स एंड बीबंस ऑन एवरी साइड एंड बेल्ट एंड बटन्स एंड लूप्स एंड लेट्स सो दैट नो बडी एवर को सी द फेस ऑफ क्वानगल वांगल क्वी क्रेमटी ट्री के टॉप पर क्वेंगल वांगल बैठा है पर लेकिन उसका चेहरा आप उसकी बेवर कैप के कारण नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसका जो हैड है वो एक सौ दो फीट चौड़ा था जिसके हर तरफ रिबन और बिबन थे घंटियाँ और बटन और लूब्स एंड लेस थे ताकि कोई भी क्वेंगल वांगल क्यू का चेहरा ना देख सके में काफ़ी सारे वर्ड्स आपको इमेजिनरी वर्ड्स मिलेंगे जिनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है ये वर्ड्स केवल हमारे पोइट ने राइमिंग के लिए लिखे हैं या उनकी इमेजिनेशन है उनकी इन्वेंशन वाले वर्ड्स हैं ये सारे यहाँ पर बिबन जो है सिर्फ रिबन को राइमिंग करने के लिए ही लिखा है पोइट ने लेट्स सुसाइड द नेक्स्ट स्टैंड द क्वेंगल वेंगल सेट टू हिमसेल्फ ऑन द क्रमटी ट्री जैम एंड जेली एंड ब्रेड आर द बेस्ट ऑफ फूड फॉर मी बट द लॉन्गर आई लिव ऑन दिस क्रमची ट्री द प्लेनर देन एवर इट सीम्स टू मी दैट वेरी फ्यू पीपल कम दिस वे एंड दैट लाइफ ऑन द होल इज़ फार फ्रॉम गे सेट द क्वेंगल वैंगल क्वी क्वांगल वांगल ने कहा क्रमची ट्री पर खुद के लिए जैम और जेली और बट ब्रेड मेरे लिए सबसे अच्छा खाना है लेकिन जितना अधिक मैं इस क्रमची ट्री पर रहता हूँ यह मुझे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट लगता है क्लियर लगता है कि बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं और वह जीवन कुल मिलाकर खुशियों से कोसों दूर है क्वांगल मतलब होता है खुशियां हैप्पी बट देयर केम टू द कंट्री ट्री मिस्टर एंड मिसेस कैनरी एंड दे सेट डिड यू एवर सी एनी स्पॉट सो चार्मरिंगली मे वी बिल्ड अ नेस्ट ऑन योर लवली मिस्टर क्वांगल वांगल ग्रांडस दैट ओ प्लीज लेट अस कम एंड बिल्ड अ नेस्ट ऑफ वॉट एवर मटीरियल सूट्स यू बेस्ट मिस्टर क्वानगल वांगल कोई लेकिन ट्री पर मिस्टर एंड मिसेस कैंड्री आए और उन्होंने कहा क्या आपने कभी देखा कोई ऐसी जगह इतनी खुशहाल इतनी हवादार क्या हम आपके प्यारे हेड पर घोंसला बना सकते हैं मिस्टर क्वांगल वांगल हमें अनुमति दें कृपया हमें आने दें और घोंसला बनाने दें मटेरियल्स से जो भी आपके लिए सबसे उपयुक्त हो मिस्टर क्वेंगल वांगल क्यू एंड एंड मिसाइड्स टू द क्रमटी ट्री केम द स्टॉक द डक एंड द ऑल, द स्नेल एंड द बम्बल बी द फ्रॉग एंड द फिम्बल फाउल द फिम्बल फाउल विद द कॉक्स क्र्यू लेग एंड ऑल ऑफ देम सेट वी हमले बैग वी मे बिल्ड अवर होम्स ऑन योर लवली हैड मिस्टर कोगल वांगल ग्रांडस दट मिस्टर क्वांगल वांगल क्वी और इसके अलावा क्रमटी ट्री पर सारस बत्तख और उल्लू आए घोंघा और भौरा मेंढक और चंचल पंछी और उन सब ने कहा हम नम्रता पूर्वक विनती करते हैं फिम्बल फाउल एक कॉर्स्प्रियो पैर के साथ हम आपकी लवली हेड पर अपना घर बना सकते हैं मिस्टर क्वांगल वांगल हमें अनुमति दें मिस्टर क्वांगल वांगल क्वी

और छोटा ओलंपियन भालू और चमकदार नाक वाला डोंग और नीला बबून जो बांसुरी बजाता था और ट्यूट क्या लैंड से ओरिएंट बछड़ा और एट्री स्क्वैश और बिस्की बैट सभी आए और लवली हेड पर निर्माण किया या बनाया क्वेंगल वांगल क्वी का एंड द क्वेंगल वांगल सेट टू हिमसेल्फ ऑन द क्रमटी ट्री वन ऑल दिस क्रिएचर्स मूव वट अ वंडरफुल नॉइज देल बी

उन्होंने क्रमटी ट्री की चौड़ी हरी पत्तियों पर नीले बबून की बांसुरी पर डांस किया और सभी उतने ही खुश थे जितना हो सकते थे क्वांगल वांगल क्वी के साथ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोम क्रमटी ट्री इज एन इमेजनरी ट्री क्वांगल वांगल फीम्बल फाउल पोबल डोंग एंड एट्री क्वेश्च ऑल दीज क्रिएचर्स आर इमेजनरी ये सारे क्रिएचर्स ये सारे जो क्रिएचर्स थे वो पोइट ने अपनी इमेजिनेशन से इन्वेंट किया है बीवर हैड बीवर इज़ एन एम्फीबियन आप इसे गूगल कर सकते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं एक ऐसा क्रिएचर है ये आप गूगल कर सकते हैं इसको इसके फर से बनाए गए हैड को बोला जा रहा है बीवर हैड एंड बीबंस सिर्फ रिबन को राइमिंग करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ वर्ड है एक्चुअल में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है पोइट ने अपने साइड से ये वर्ड यूज़ किया है पोम में गे का मतलब होता है खुशी हैप्पी कैनरी जो है बर्ड्स का नाम दिया गया है अ स्मॉल येलो बर्ड नोन फॉर इट्स सिंगिंग चार्मिंगली एयरी वेरी प्लेजेंट बिकॉज इट इज स्पेशियस एंड फुल ऑफ फ्रेश एयर स्टॉर्क अ टॉल वाइट बर्ड विद लॉन्ग लेग्स पम्बल बी बम्बल बी एक मधुमक्खी है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं और वो जब उड़ता है तो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है कॉर्क स्क्रियो अ डिवाइस फॉर रिमूविंग कॉर्क फ्रॉम बॉटल बॉटल से जो कॉर्क होता है इसका जो ढक्कन होता है एक तरीके से बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में उसको निकालने के लिए एक डिवाइस होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्क क्रियो ग्राउज अ स्मॉल बर्ड विथ फैट बॉडी एंड फेदरी लेग्स दी ओरियन काफ अ काफ फ्रॉम कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया लैंड ऑफ ट्यूट एन इमेजिनरी प्लेस ये भी एक इमेजिनरी प्लेस के बारे में बोला गया है यहाँ पे ये रियल में कोई भी प्लेस नहीं है ऐसा बिस्की एन इन्वेंटेड वर्ड विद नो मीनिंग बिस्की का भी कोई मीनिंग नहीं है जस्ट पोइट ने अपनी साइड से यूज़ कर लिया है इस वर्ड को पोम में एंड मलबरी मून फुल मून को बोला गया है यहाँ पर आई होप कि ये पोम आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपने इन्जॉय किया होगा इस पोम को और इसके वर्ड्स अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो गए होंगे समझने में अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो अगर चैनल आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हमरी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो आई रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग